too long, too long. Do you wanna save a life? 'Cause I just really need someone. I've been barely holding on. And I'm still running from my demons. दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट करो पे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी आगे आने वाली वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो दोस्तों फिर से हाजिर हुई है न्यू लोकेशन पे। आज की जो हमारी लोकेशन आ जाती है वो सेक्टर 123 मोहाली की आ जाती है। काफी अच्छी लोकेशन, काफी अच्छी कनेक्टिविटी के साथ हम हाजिर हुए हैं। अगर करें हम कनेक्टिविटी की बात तो एयरपोर्ट रोड से जो है ये 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पे लोकेशन आ जाती है। आपके डेली नीड्स की जो है शॉप यहाँ पे बिल्कुल आपको नजदीक में मिल जाती है। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आउटलेट आपका जो है कमिंग सून में है। तो कर लेते हैं हम हमारी कोठी की बात। ये जो है 122 गज में हमारी कोठी आ गई 4BHK की। तो बाहर का एलिवेशन देख सकते हैं, व्हाइट थीम के साथ हमने आपको बाहर का एलिवेशन रेडी करके दिया है। तो अगर करें हम बर्म एरिया की बात तो यहाँ पे काफी स्पेशियस हमारा बर्म एरिया आ जाता है। घर के बाहर भी आप इजीली दो गाड़ियां पार्क कर सकते हैं, इतना आपको स्पेस मिल जाता है। आयरन का हमारा इसमें गेट मिल जाता है हमें, तो ये आ गया हमारा गेट। इसके साथ अंदर भी मिल जाता है आपको स्पेस एक गाड़ी का। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके घर में हमने आपको तोड़ फोड़ ना करके आपको जो है यहाँ पे प्रोविजन दिया है हमने सिलेंडर का, कि आप अपने सिलेंडर जो है यहाँ पे रख सकते हैं ताकि किचन में तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। तो यहाँ पे आपको टाइल्स का वर्क मिल जाता है, दो इसमें आपको जो है डोर्स मिल जाते हैं। एंटर करते ही डाउन सीलिंग आ गई हमारी कंसील लाइट प्रोफाइल लाइट के साथ। तो यहाँ पे आ गई वेंटिलेशन के लिए विंडो जो हमारी टफन ग्लास के साथ आती है। अगर देखेंगे आप हमारे फैमिली लाउंज का स्पेस तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा स्पेशियस मिल जाता है। यहाँ पे वॉलपेपर हमें मिल जाता है एक बेबी कलर पिंक का। तो इस घर की जो है व्हाइट और पिंक कलर की थीम रहने वाली है। तो यहाँ पे आगे हमारा एलईडी पैनल का स्पेस, यहाँ पे 55 इंच की आप जो है एलईडी पैनल लगा सकते हैं। इसके साथ भी स्टोरेज बना के दे रहे हैं हम। यहाँ पे आ जाता है सामने मॉड्यूलर किचन जो कि हमारा एल शेप में आ गया। इसमें ये आगे हमारी प्रोफाइल लाइट और ये आगे हमारे कैबिनेट्स। सॉफ्ट क्लोजर के साथ आ जाते हैं हमारे ड्रॉ। तो यहाँ पे आप फ्रिज रख सकते हैं, दो सिंक आगे, वेंटिलेशन के लिए विंडो होना तो जरूरी है। तो यहाँ से चलते हैं हम हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो फर्स्ट बेडरूम की थीम जो रहेगी आपकी कुछ इस तरह की रहेगी, डाउन सीलिंग आगे कंसील लाइट के साथ। वॉलपेपर मुझे काफी पसंद आ रहा है क्योंकि काफी अच्छा एट्रैक्टिव वॉलपेपर लगे है इसमें। और ये आगे हमारे कवर्स, स्लाइडिंग डोर के साथ हमारे कवर्स आ जाते हैं। सामने एलईडी पैनल का स्पेस, तो यहाँ से वॉशिंग एरिया का एक्सेस मिल जाता है हमें। ये हमारा टफन ग्लास आ जाता है, अटैच ही हमारा वॉशरूम आ गया। वॉशरूम में सारी फिटिंग जो रहेगी वो हमारी जैकवार की रहेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो अब चल देते हैं हम सेकंड बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे आ गया दोस्तों हमारा सेकंड बेडरूम। तो इसमें आप स्पेस देख सकते हैं, काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। इसको आप अपने बच्चों के लिए स्टडी रूम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका बेड लगता है किंग साइज का, इसके साथ भी जो है आपको मूव करने के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे वॉलपेपर आ गया, सामने हमारे कबर्ड्स आ गए, यहाँ पे आ गया एलईडी पैनल का स्पेस। दोनों रूमों से जो है आपको एक्सेस मिल जाता है वॉशिंग एरिया का। यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं मिरर बना के जो हमारा ड्रेसिंग एरिया आ गया। तो ये आ गया अटैच वॉशरूम, फिटिंग सारी जैकवार की। यहाँ पे मिरर लगा के दे जा रहे हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स के साथ। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर जो मैंने आप सभी को दिखाया। तो अब चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये हम हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, इसमें जो है आउटर स्टेज स्टिल मोंटी आपको मिल जाती है। तो ये आगे हमारी बालकनी, तो ये हमारी बालकनी आ गई। यहाँ पे आप शाम के टाइम बैठ सकते हैं, बाहर का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर के अंदर। तो यहाँ से जाता है आपका टॉप टेरेस के लिए। तो देख लेते हैं हमारा फर्स्ट फ्लोर। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट फ्लोर जिसमें जो है अभी काम थोड़ा सा पेंडिंग पड़ा है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। जैसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे दिखाया, सेम कॉन्सेप्ट के साथ फर्स्ट फ्लोर रहेगा। डाउन सीलिंग आ गई हमारी, वेंटिलेशन के लिए सामने विंडो आ गई, और ये आ गया हमारा एलईडी पैनल का स्पेस। तो ये आ गया एलईडी पैनल का स्पेस और साथ में ही सामने आ गए मॉड्यूलर किचन। दो इसमें हमारे बेडरूम आ गए जिसमें कि अभी थोड़ा सा काम चला है।
जो कि बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। तो जो आपको मैंने अगेन बता रही हूँ, जो ग्राउंड फ्लोर का कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट ये रहने वाला है, तो ये मैं दिखाना नहीं चाहूंगी अभी। तो दोस्तों, अगर आपको ये घर पसंद आया तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ये अपना घर अपने नाम कर सकते हैं।